असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है विजयदशमी। दुर्गा पूजा के रूप में शक्ति पूजा का पर्व है दशहरा, जिसे आज पूरे देश भर में बड़े जोश और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, क्योंकि यह त्यौहार हर्ष, उल्लास और विजय का प्रतीक है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाए जाने वाले इस पर्व को एक तरफ जहां भगवान राम के लंका विजय के प्रतीक के रूप में मनाते हैं, तो वहीं मां दुर्गा पूजा के रूप में देवी दुर्गा के 9 दिनों की पूजा के समापन का दिन होता है बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक। रावण का पुतला इस दिन समूचे देश में जलाया जाता है। इसी दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और माता सीता को उनकी कैद से छुड़ाया था। कहते हैं रावण को मारने से पूर्व भगवान राम ने मां दुर्गा की आराधना की थी। मां दुर्गा ने उनकी पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें विजय का वरदान दिया था, इसलिए दशहरा को शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। फिर चाहे वो भगवान राम की शक्ति हो या फिर शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की आराधना, दोनों ही रूपों में यह शक्ति का पर्व है। देश के कोने कोने में यह त्योहार अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। कहते हैं कि असत्य पर सत्य की यह विजय तो तलवारों से प्राप्त की जाने वाली विजय नहीं थी, बल्कि उसके मूल में सेवा धर्म प्रमुख था, सदाचार था, दया, करुणा, प्रेम, सहानुभूति जैसे गुणों द्वारा प्राणी मात्र पर विजय प्राप्त करने वाली बात थी, जिन्हें भगवान राम के आचरण में हम देखते हैं। राम के इसी आदर्श और गुणों का गायन संत तुलसीदास ने मानस ग्रंथ में किया है, जिसे रामलीला के रूप में विजयदशमी के पर्व पर इसका मंचन किया जाता है। विजयदशमी पर हम भगवान राम का स्मरण करते हैं। रामलीला में उनके चरित्र और गुणों का गायन होता है। राम को अवतारी पुरुष माना जाता है। राजा दशरथ के घर उनका जन्म हुआ था, लेकिन अपने पावन चरित्र और सद्गुणों के कारण वो भगवान कहलाए। विजयदशमी हमें याद दिलाता है कि कैसे बुराई पर अच्छाई की सदैव जीत होती है। विजयदशमी जीत का ही पर्याय है और ये शक्ति के साथ साथ न्याय और विवेक को भी परिभाषित करने का त्योहार है। दशानन दहन के साथ पूरा होता है दशहरे का ये त्योहार। पुतला दहन के बाद लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं।